हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रमेश कुमार। जैसा कि अपन ने डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो डीसी मशीन में अपन ने लास्ट क्लास में डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था। तो डीसी मोटर के टाइप्स पढ़े थे, उसके बाद में डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके मेथड पढ़े थे। तो दो मेथड होते हैं, एक आपका आर्मेचर कंट्रोल का होता है, एक आपका फ्लक्स कंट्रोल का होता है। तो दोनों में अपन ने संट और सीरीज दोनों मोटर के लिए अपन ने मेथड पढ़े थे। अब जो भी आपकी मोटर होती है वो स्टार्ट होने के बाद जैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं तो उसको पहले स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट करने का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए अपन एक स्टार्टर काम में सर्किट काम में लेते हैं जिसका नाम है स्टार्टर। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो डीसी मोटर स्टार्टर होता है वो क्या करता है, डीसी मोटर होता है उसको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल किसको करेगा कि आपकी जो भी मोटर होती है उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए कंट्रोल करेगा। यानी आपकी मोटर बंद होगी और चालू होगी, उसको वो स्टार्ट या बंद करने का काम करेगा। तो जो आपकी डीसी मोटर को स्टार्ट करने का एक चैलेंज होता है, क्योंकि इनिशियली जो आपकी प्राइमरी इश्यूज होते हैं, क्योंकि डीसी मोटर को ऑपरेट होने के लिए लार्ज पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। और वो जो लार्ज पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, आपके मोटर को चला देता है, क्योंकि उसमें लार्ज वोल्टेज होता है तो उस समय लार्ज करंट भी फ्लो होगी, लेकिन उसको आपको क्या करना है, लिमिटेड करना है। तो ये आपका एक चैलेंज टाइप का आपका वर्क होता है मोटर को स्टार्ट करना। मोटर जो छोटी मोटर होती हैं उनको अपन एक के स्विच या कॉन्टैक्ट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी मोटर होती हैं उसको एक डेडिकेटेड स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, जो भी आपकी मोटर होती है, ये आपकी एक डीसी मोटर लगा रखी है अपन ने, इसके ऊपर एक लोड लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दो ब्रश लगा रखी हैं जिनके थ्रू क्या होती है, आपकी करंट एंटर करती है डीसी मोटर में, जिससे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डीसी मोटर आपका घूमना स्टार्ट कर देती है। तो जो अंदर जो रोटेशन पार्ट है उसको लोड पे लेने के लिए बीच में अपन शाफ्ट काम में लेते हैं। तो ये आपकी शाफ्ट लगी हुई है। अब इनिशियली जो आपकी आपके इसमें से करंट फ्लो होगी वो आपकी आई ए करंट है, और जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर है इसका जो रजिस्टर है वो आपका आर ए है, ठीक है। अब मोटर में जो कंडक्टर रोटेट होता है तो उसकी वजह से पिछली क्लास में बताया था, जब आप उसके अंदर जो आर्मेचर की जो कॉइल रोटेट होगी तो उसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको अपन बोलते हैं काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है। और ये उन्हीं नियमों का विरोध करता है जिसकी वजह से ये जनरेट होता है। ये किसकी वजह से जनरेट होता है, ये करंट फ्लो हो रही है तो इसकी जो दिशा होगी ईबी की वो हमेशा इसके ऑपोजिट होगी, यानी ये इस ई का ओपोज करेगा। तो अपन इसकी इक्वेशन लिखते हैं, जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है, जो करंट फ्लो हुआ है, उसकी इक्वेशन आपकी ये बनती है, ई इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर। तो यहाँ पे ई वोल्टेज है वो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, जबकि ई बी है वो आपका काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या बैक ईएमएफ है, जबकि आई ए है वो आपकी आर्मेचर करंट है और आर ए है वो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है,
तो अपन जानते हैं जो भी आपका बैक ईएमएफ होता है बैक ईएमएफ होता है काउंटर ईएमएफ, वो आपका एग्नेस्ट द करंट, जो करंट होती है उसके एग्नेस्ट होता है, क्योंकि ये करंट की वजह से ही इंड्यूस होता है। और अपन ये भी जानते हैं जो सी एम एफ ई एम एफ या ई बी जो बैक ई एम एफ होता है वो मोटर की स्पीड पे डिपेंड करता है। ई बी का अपन ने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था, ई बी इक्वल टू क्या होता है, एन फाई पी जेड और 60 ए होता है, जहाँ पे एन क्या है आपकी मोटर की स्पीड होती है और फाई क्या है फ्लक्स होता है, पी आपके नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, जेड आपके आर्मेचर पे कंडक्ट की संख्या होती है और ए यहाँ पे क्या होता है आपके कट की संख्या होती है। तो यदि आपकी मोटर की इनिशियली मोटर की स्पीड एन का मान जीरो होता तो आपका ई बी का मान जीरो हो जाएगा। तो ई बी का मान जीरो होगा तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए आर ए। तो यहाँ से अपन आई ए का मान निकालते हैं तो ई अपॉन आर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई बी का मान जीरो किया है तो आई ए का मान क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर ए, आई इक्वल टू ई अपॉन आर ए। जो आर्मेचर रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस अपन कम से कम रखते हैं क्योंकि उसमें आपका पावर लॉस होता है, इसलिए जो आपका रजिस्टर होता है आर्मेचर का उसका रजिस्टर होगा है वो आपका 0.5 ओम है। आर ए का मान कितना है, 0.5 ओम। और जो आपका एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो आपका 220 सही है। तो इसमें अपन ई और आई ए का मान, सॉरी आर ए का मान रखते हैं तो जो आपका मिनिमम करंट आता है आई ए का मान वो 440 एम्पियर आता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपकी जो आर्मेचर होती है उसके जलने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्पिनिंग द टॉप वाइंडिंग फ्रॉम द स्लोट्स, यानी जो इनिशियली जो आपका इतना टॉर्क आता है, इतना करंट आएगा तो इतना टॉर्क आएगा कि आपकी जो रोटर होती है वो स्लोट से आपकी स्पिन हो जाएगी, राइट इंस्टेड इंट्रैक्शन ऑफ द वेरिएबल्स अब हमने डिसिपेट, ऐसे आपकी एक इमेज बन जाती है या अपन ये बोल सकते हैं आपकी मोटर जल जाएगी। इसलिए ये आपकी मोटर जले नहीं, इसके लिए यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, एक इसमें रजिस्टर लगा देंगे, एक्सटर्नली रजिस्टर लगा देंगे, एडिंग रजिस्टर। द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्टार्टिंग करंट कैन बी सॉल्व बाई एडिंग ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगा देते हैं, डेट लोअर द इनिशियली करंट। जैसे आर एक्सटर्नल का मान अपन 100 भी रखते हैं, 100 ओम भी रखते हैं स्टार्टिंग में, तो आपका 220 आपका वोल्टेज होगा तो आपकी करंट कितनी आएगी, 2.2। यदि 10 भी रखते हैं तो 22 एम्पियर हो जाएगी, इसलिए इसमें जो 22 एम्पियर करंट होती है तो वो आपकी एक सफिशिएंट करंट हो जाती है। और जैसे ही आपकी एक स्पीड होती है इनक्रीज होगी मोटर की तो आपका बैक ईएमएफ जनरेट होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा तो आपका ये 222 में से
वो आपका ई बी इन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो कभी आपकी करंट होगी वो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा कम रहेगी, जैसे आर ए का मान 0.5 ही है, ठीक है, 220 माइनस 110 कर लेते हैं तो 110 बटे 0.2 तो आपकी कितनी करंट मिलेगी, अब आपका 220 एम्पियर मिलेगी। लेकिन आर ए का मान अपन इस हिसाब से रखते हैं कि आपकी करंट है वो आपके मिनिमम से मिनिमम रहे। तो यहाँ पे जो आपका डीसी स्टार्टर होता है वो क्या करता है, प्राइमरी रोल इन सेफ गार्ड ऑफ मोटर सर्किटरी बाय लोअरिंग द स्टार्टिंग करंट थ्रू रेजिस्टेंस। यानी जो भी आपका डीसी स्टार्टर होता है वो आपका सेफ गार्ड होता है, वो क्या करेगा, मोटर सर्किटरी को बचाएगा। कैसे बचाएगा, आपके स्टार्टिंग में जो करंट होती है उसको कम करेगा, और उसके लिए क्या काम में लेंगे, रेजिस्टेंस काम में लेंगे। तो रेजिस्टेंस के थ्रू आपका स्टार्टिंग करंट को लोअर करने के लिए डीसी स्टार्ट काम में लिया जाता है। तो नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, आपकी स्टार्टर की जरूरत क्या हो गई है, तो जरूरत क्या हुई है, द स्पीड ऑफ मोटर इज जीरो, स्टार्टिंग में मोटर की जो स्पीड होती है जीरो होती है, इसलिए बैक ई एम एफ का मान भी जीरो होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए पावर सप्लाई डायरेक्टली करेंगे तो एक ह्यूज करंट फ्लो होगी, किस में से, आपके आर्मेचर में से। ये ह्यूज करंट क्या होगी, आपकी मशीन को डैमेज कर देगी, ठीक है, या हाई स्पीड होगी डीसी सीरीज मोटर में। और आई जो आपका आई ए का मान होगा वो वी अपॉन आर ए या ई अपॉन आर ए होगा। और क्या फंक्शन होता है स्टार्टर का, स्टार्ट एंड स्टॉप द मोटर, मोटर का स्टार्ट करने और स्टॉप करने के काम आ जाएगा। लिमिट इन रस करंट व्हेन नेसेसरी, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी करंट आपको फ्लो करवाएगा। परमिट ऑटोमेटिक कंट्रोल व्हेन रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रोटेक्ट मोटर एंड अदर कनेक्टेड इक्विपमेंट, जो भी आपकी मोटर होती है उसको ओवर वोल्टेज, नो वोल्टेज, अंडर वोल्टेज से बचाता है। ये इसके टाइप्स हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।